प्रेजेंटेशन नहीं, इंटेंशन अच्छी होनी चाहिए। प्रभु को प्रभावित करने का प्रयास करें। और ये कथा एकमात्र साधन है जो आपको बाहरी सुंदर नहीं, जो आपको आंतरिक सुंदर बनाती है। बाहरी सुंदरता के लिए व्यक्ति क्या करता है, श्रृंगार करता है, आभूषण पहनता है, मैयाएं वो सोना चांदी हीरा मोती का कंगन ये वो सब पहनती हैं, लेकिन भगवान की कथा भी हमारा श्रृंगार करती है। 7 दिन कैसा श्रृंगार करती है, बोले भगवान की कथा श्रवण के कानों में कुंडल पहना देती है, भगवान के चरण की रज की छोटी सी माथे पर बिंदिया लगा देती है, कृष्ण चरणों में पड़ी तुलसी की गंध जब वैष्णव सूंघता है तो मानो नाक में नथनी पहना देती है, जब भक्त संकीर्तन में ताली बजाता है तो कीर्तन के कंगन पहना देती है, जब भक्त भजन में नाचता है तो नर्तन के पांव में घुंघरू बांध देती है, और इतना सुंदर श्रृंगार कथा करती है, इतना सुंदर हमें सजाती है कि ठाकुर जी भी देखकर हमारे ऊपर मोहित हो जाते हैं कि इतना सुंदर आदमी कौन। जब कोई छोरी का ब्याह होने जा रहा हो, उसको लड़के को दिखाने ले जा रहे हो, तो उसकी जो सखियां होती है उसका श्रृंगार करती है, सजाती है, और ये प्रयास करती हैं कि वो इतनी सुंदर दिखे कि जाते ही जो लड़का वो हाँ कर दे कि हाँ हमको आपकी लड़की पसंद है। तो वैसे ही ठाकुर जी भी क्या है, बोले ठाकुर जी वर पक्ष है और हम सब जीव जो है वो वधु पक्ष से हैं, हमारा कथा इतना सुंदर श्रृंगार करके ठाकुर जी के सामने हमें प्रेजेंट करती है, पेश करती है कि ठाकुर जी हमें देख करके मोहित हो जाते और कहते ब्याह करूँगा तो इसी से करूँगा, ब्याह करूँगा मतलब कि कृपा करूँगा, स्वीकार करूँगा तो इसी को स्वीकार करूँगा।